आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट इन स्पाइट ऑफ द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट दैट टेररिज्म इज अंडर चेक, किलिंग कंटिन्यूज। नाउ देयर आर टू कंक्लूजंस। कंक्लूजन वन इज द टेररिस्ट्स हैव नॉट कम टू एन understanding with the government, and the conclusion to is the government has been constantly telling a lie. So as to begin with, हम लोग पहले statement को अच्छे से समझते हैं। एक statement हमको given है, the statement is in spite of the claim of the government that the terrorism is under check, killing continues. तो इसका मतलब statement आपसे basically ये कह रहा है कि एक particular region में terrorism increase हो रहा है, terrorism is all time high, ठीक है। अब इसका यहाँ पर ये जो सिचुएशन गिवन है, इसका अब रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दैट देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेररिज्म, नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर टेररिज्म, यही तो रीजन है। या फिर मैं इसमें एक चीज और कह सकता हूं, इसी के सिमिलर एक चीज ये है दैट देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ द टेररिस्ट, ठीक है, जो कि हमको कहां गिवन है, कंक्लूजन वन में गिवन है। सो डेफिनेटली कंक्लूजन वन तो हमारा करेक्ट है। बात करते हैं कंक्लूजन टू की। कंक्लूजन टू में क्या गिवन है, दैट द गवर्नमेंट हैज बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग अ लाई, राइट। तो यहां पर जो भी गवर्नमेंट थी उसने एक चीज क्लेम करी थी दैट द टेररिज्म इज अंडर कंट्रोल, बट ये क्लेम गलत था, दिस क्लेम वॉज फॉल्स, राइट। सो आई कैन से दैट दिस कंक्लूजन टू इज ऑल्सो करेक्ट, दैट द गवर्नमेंट वॉज टेलिंग अ लाई। सो फाइनली आई कैन से दैट बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, so option C will be correct. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें DoubtNet app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।